Are you okay? तुम्हारे चिल्लाने की आवाज सुनी फोन पर, बहुत डर गया। तुम्हें कहीं और तो नहीं लगे? खुदा का शुक्र है हम बच गए। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। वो एक्चुअली मैं नुसरत को बुलाने आई थी। ये आपको क्या हुआ? ये कुछ नहीं, बाइक से गिर गया था मैं। आई मीन प्लीज, झूठ बोलना नहीं आता ना तो कोशिश भी मत करो। ये लीजिए, ये लगा लीजिए, ठीक हो जाएगा। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अरे चलिए आइए, बैठिए यहाँ पे। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे लगा आप मुझसे नाराज थी। नाराज थी, नाराज हूँ, लेकिन इंसान भी हूँ। आपको चोट लगी देख, किसी को चोट लगी देख के मैं मुंह नहीं मोड़ सकती, इसीलिए ये लीजिए, खुद करिए। अम्मी क्या हुआ? अम्मी अम्मी आप रो क्यों रही हैं? आपको वहां से ले आओ है, जालिम लोगों ने मार डालेंगे। Do you want me to call the doctor? No. Miss Farooqi, अगर आप उसे ठीक तरह कवर नहीं करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। I'll call the doctor. He'll take care of it properly. I told you, Mr. Khan, I can take care of myself. I don't need anybody. Actually, मुझे पता नहीं था। I didn't know कि आप उस बस में। मैंने आपका एयरपोर्ट देखा और उस really wanted it.
असद, माफ कीजिएगा। आई होप आई डिडंट डिस्टर्ब यू। नॉट एट ऑल। हम आपका घर देख रहे थे, बहुत खूबसूरत घर बनाया है आपने। वो एक्चुअली मैं उनसे थोड़ा अपसेट हूँ। उन्हें भी लगता है कि मिस्टर राशिद अहमद खान बेगुनाह है और उनकी वजह से, उनकी सपोर्ट की वजह से अम्मी को भी सच दिखाई नहीं दे रहा। और अगर वो सही साबित हुए तो? अगर वो बेगुनाह हुए तो? बेगुनाह नहीं है तन्नू। जब तक अदालत उन्हें गुनहगार साबित नहीं कर देती तब तक वो बेगुनाह है। और वो गुड़िया जिसकी आप बात कर रहे थे, अगर उस गुड़िया से वो बेगुनाह साबित होते हैं तो आप वो गुड़िया ढूंढते क्यों नहीं हो? क्योंकि उस गुड़िया का कोई अता पता नहीं, वो खो चुकी है। अम्मी को अभी तक उम्मीद है कि हमें वो गुड़िया मिल जाएगी, और अगर मिल भी गई तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उम्मीद पर दुनिया कायम है हसद, और हम खाला की खातिर ये उम्मीद करते हैं कि आपको वो गुड़िया जल्द ही मिल जाए। सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, बस सफाई कर रही थी। मैंने सोचा अंदर की भी सफाई कर दूं, लेकिन साफ शायद बिजी हैं। बेटा तेरा गुस्सा वो बादल है जो तेरे दिल से उठता है और तेरे दिल पे ही बरस जाता है। अबे जब मैंने तेरे को मारा था तब तो तेरे से कुछ हुआ नहीं, जाके तेरे भाई को बुला लाया। अभी भी बुला रहा तेरे भाई को जाके, मगर अभी कैसे बुलाएगा? अभी तो उसने ही तेरे अब्बू को जेल में डलवाया। अगर अभी मैं तेरे अब्बू पर 3 डिग्री भी चार्ज कर दू ना तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने का। तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते फिरोज, ये गैर कानूनी है। देख बेटा बार बार कानून तो मत सिखाया कर तू मेरे को यार, क्योंकि बिना बदन पे निशान आए भी पिटाई कैसे की जाती है ये मैं बखूबी जानता हूँ। तुम क्या सोचते हो फिरोज, ये सब करके तुम बच जाओगे? देख खान बेटा, हम सोचते नहीं है, हम तो कट डालते हैं। सोचते तो तुम लोग हो, करते कुछ हो नहीं। अबे कुछ करते होते तो अब तक तेरे अब्बू जेल में पड़े रहते क्या? दुनिया का कोई भी रईस, कोई भी 6 घंटे से ज्यादा जेल में नहीं रहता। मैं जानता हूँ आपके ख्याल आते इस मामले को लेकर क्या है, लेकिन लेकिन अब्बू पे बहुत जुल्म हो रहा है जेल में। भाई भाई आप मेरा यकीन कीजिए, भाई फिरोज हमारी सारी बड़ास अब्बू पे निकाल रहा है, उन पे बहुत जुल्म कर रहा है। भाई भाई अम्मी ने भी देखा है फिरोज उन पे कैसे जुल्म कर रहा है। वो तो इतनी डरी हुई थी भाई की, वो कह रही थी कि अब्बू तो वो बचेगी नहीं। भाई ये सब सुन के भी आप कुछ नहीं करेंगे क्या? ये ना भाई जान, आप कुछ नहीं करेंगे? तुम मुझे ये सब इसलिए बता रहे हो ताकि मैं तुम्हारे अब्बू के खिलाफ गवाही ना दूं, राइट? आप अब्बू से इतनी नफरत कैसे कर सकते हैं भाई? वही कर रहा हूं जो सही है। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।